हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उमेश गुरु शॉर्ट में। आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा कि वीडियो को एडिट कैसे करी जाती है, लॉन्ग वीडियो को आप एडिट कैसे करेंगे, अपने यूट्यूब के लिए आप रेडी कैसे कर सकते हैं वीडियो को, अगर आपने ऑलरेडी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है तो उसे आप एडिट कैसे करेंगे। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको स्ट्रीम लैब पूरा ए टू जेड सीखना है, स्ट्रीम लैब से कैसे एडिट करी जाती है, स्ट्रीम लैब से कैसे रिकॉर्ड करी जाती है पूरा ए टू जेड सीखना है, या फिर आपको OBS से पूरा जो है कंप्लीट OBS आपको सीखना है, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखते रहना है। आपको एनिमेशन वीडियो सीखना है, एनिमेशन कैसे बनाया जाता है वो भी मैं इस चैनल पर आपको बताऊँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके सिखाऊँगा कि कैसे वीडियो एडिट करी जाती है। मैंने ऑलरेडी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा मैं दूसरी वीडियो में। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करी जाती है, कैसे उस पर वॉइस ओवर लगाया जाता है, कैसे जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, सब कुछ मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, ये फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का यूज करके मैं आपको जो है एक बेसिक एडिटिंग सिखा दूँगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, अगर आप फिल्मोरा को पहली बार ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इसका जो है सॉफ्टवेयर दिखेगा। यहाँ पे इस प्लस बटन पे आपको क्लिक कर देना। इस बीच वाले भाग में आप क्लिक जब करेंगे तो आप जो है डायरेक्ट फाइल मैनेजर में पहुँच जाएंगे। ओपन करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी वीडियो आपको ले लेना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो ले लिया है। यहाँ पे इस प्लस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से प्लस बटन यहाँ पर आपको दिखेगा, तो इस प्लस बटन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है आपको एस्पेक्ट रेशियो पूछा जाएगा। तो ये वाला एस्पेक्ट रेशियो जो है यूट्यूब का है, ये वाला भी एस्पेक्ट रेशियो YouTube का भी है, किसी में आप जो है सेलेक्ट करके आगे बढ़े। यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया है। अब क्या करना है कि आपको कट करना है बीच वाले पार्ट को। अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि इसे प्ले करके आपको सुनना है, और जहाँ से भी आप बीच वाले पार्ट को कट करना चाहें वहाँ से आप कट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले आपको वॉइस को चेक करना है कि वॉइस इसका जो है अच्छी तरह से आया, अच्छा तरह से रिकॉर्ड हुआ या नहीं। वॉइस कम है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस टाइम लाइन पर, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडजस्ट ऑडियो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे एडजस्ट ऑडियो में आपको जाना है, राइट क्लिक करेंगे एडजस्ट ऑडियो में जाएंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो इसे जो है बढ़ा देना है आपको। यहाँ पे देखे, यहाँ पे आप जो है नंबर टाइप करके इसका वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आपको एक बटन दिख जाएगा स्क्रॉलिंग वाला, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो ओके बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा वॉल्यूम वाला काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए कि हमें यहाँ से कट कर देना है वीडियो वाले भाग को। यहाँ से हम चाहते हैं कि ये वाला फालतू भाग कट के हट जाए, तो यहाँ पे इस कैंची बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे कैंची बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये कट गया है। अब कीबोर्ड से आप डिलीट बटन भी क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको कैंची बटन पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए इस बीच वाले पार्ट को हटाना है तो यहाँ से कैंची बटन पे क्लिक करके टाइमलाइन को बढ़ाने के लिए यहाँ से जो है आपको टाइमलाइन बढ़ा लेना है। यहाँ से अब टाइमलाइन को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। देखिए ये लंबा हो रहा है। अब देखिए कि यहाँ से और यहाँ तक जो है खाली भाग है, तो यहाँ पे भी कट करना है और यहाँ पर भी कट करना है। दोनों जगह कट करके डिलीट बटन प्रेस कर देना है, ये डिलीट हो जाएगा बीच वाले पार्ट। तो दो बातें आपने समझ ली कि आप जो है कट कैसे करेंगे और बीच वाले पार्ट को कैसे रिमूव करेंगे। बस इतना ही करना होता है। अगर आपको लोगो लगाना है तो सिंपली आपको एक लेयर और जोड़ देना है। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, एड वीडियो ट्रैक आपको कर देना है। यहाँ पे देखिए वीडियो ट्रैक को जोड़ देना है, यहाँ पे वीडियो ट्रैक आ जाएगा। अब यहाँ पे लोगो जहाँ पे भी है आपका, वहाँ से लोगो को उठा लेना है, जहाँ पर भी आपने लोगो को रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी लोगो बना लिया है, ये हमारा लोगो है। लोगो को इस टाइम लाइन पर लेके आ जाना है। ये देखिए लोगो आ गया, इसे आप छोटा करेंगे हम। अब इसे जो है स्क्रॉल करते हुए पूरे टाइमलाइन में फिट कर देना है आपको। यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा टाइमलाइन में आ जाएगा। हम थोड़ा और इसे छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ तक आया हुआ है। अब यहाँ पे इसे यहाँ से यहाँ तक हम इसे फिट करेंगे। अब देखिए कि ये इसका जो है साइज थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसे छोटा बड़ा आप चाहे तो कर सकते हैं और किसी कोने में इसे आप जाके फिट कर दें। तो बस इतना ही करना होता है। जहाँ पे भी आपको सब्सक्राइब लगाना है, ग्रीन स्क्रीन लगाना है, ग्रीन स्क्रीन वाला अगर आप वीडियो लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका कंप्लीट कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स आप लेना चाहते हैं, फ्री में लेना चाहते हैं या फिर पेड में लेना चाहते हैं, उसके लिए मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं।
या आपको फ्री कोर्स चाहिए या फिर पेड चाहिए, मैं आपको ला के दूँगा। अब लास्ट में क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट बटन है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे देखिए इसका साइज जो है अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्सपोर्ट एक और दिख जाएगा। जैसे ही इस एक्सपोर्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे हमारा जो ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है वीडियो को एडिट कर सकते हैं फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के जरिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आप चाहें तो कोर्स ले सकते हैं या फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करके फ्री में भी कोर्स सीख सकते हैं फिल्मोरा का।